नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस गाउन की। ये गाउन बहुत ही शानदार बना है और बहुत ही गुड लुकिंग बना है। मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इसकी कटिंग की पूरी जानकारी मैं वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो आपका अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग के बारे में। तो आज जो किड्स फ्रॉक हम बना रहे हैं 5 ईयर्स की बेबी के लिए, उसमें लेंथ है हमारे पास 40, चोली है 11 प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे, नीचे का सर्किल है 29, उसमें भी प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे, चेस्ट है 24 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 22 प्लस 2 इंच लूज, शोल्डर है 12 और जो स्लीव्स मैं बना रहा हूँ वो एक तरफ डिजाइनर स्लीव्स आएगी हमारी 12 इंच की जो अप्रोक्स 11 तैयारी रहेगी और एक तरफ मैं स्ट्रेट बलून स्लीव्स लगाऊंगा 16 इंच की। ऑर्गेंजा फैब्रिक है 3 मीटर, साइनिंग फैब्रिक है 2 मीटर और कॉटन लाइनिंग है 2.5 मीटर। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लगा लिया है। ये साइड अपने एक तरफ से पैक है और एक तरफ से ओपन है और ये साइड दोनों तरफ से पैक है। तो सबसे पहले हमें वेस्ट का मेजरमेंट करना है। वेस्ट हमारी लूज है 24 और आगे 6 इंच हमें लूज और टाइट के लिए मार्जिन रखना है। तो मैंने ऊपर से 9 पे एक मार्क किया है और पूरा राउंड बना लिया है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ, 24 हमारी वेस्ट है तो उसका 1/4 होता है 6, तो 6 पे हमें एक मार्क करना है वेस्ट के लिए और उससे आगे 1.5 इंच अपना लूज और टाइट के लिए मार्जिन है। इस तरह से हमें अपनी वेस्ट बनानी है और लेंथ रखनी है हमें ऐड करके 30। तो मैंने इस साइड 30 पे एक मार्क किया है जो साइड अपने एक तरफ से ओपन है और पूरा राउंड बनाते हुए 30 पे मार्क किया है और जो साइड दोनों तरफ से पैक है उधर अपने मार्क को 1/2 इंच कम कर दिया है 29.5, क्योंकि ये साइड अपने उरेब होती है तो फैलती है, इसलिए 1/2 इंच कम किया है मैंने। और मार्क आपको थोड़ा मुश्किल से दिखेंगे क्योंकि लाइट कलर का फैब्रिक है, मल्टी कलर, मैंने डबल चौक से मार्क किया है। इसी तरह मार्क कर लेना है और हमें कटिंग करनी है। इसके बाद हमें साइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग करनी है, वो कटिंग बिल्कुल एज इट इसी तरह होगी। लेंथ हमें 1 इंच कम रखनी है, इस पर हम 30 पे कटिंग कर रहे हैं तो साइनिंग वाले फैब्रिक पे 29 पे हमारी कटिंग होगी। मेन फैब्रिक और साइनिंग के फैब्रिक में हमने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक में लेंथ रखी थी 30, साइनिंग वाले में 29 और कॉटन लाइनिंग पे रखनी है हमें 28। तो मैंने पहला मार्क 28 पे किया है। ये साइड अपने एक तरफ से ओपन है और इधर से हमारा लेंथ का सर्किल कटेगा तो फ्रंट हमारा जॉइंट से बनेगा और इसी तरह एक हिस्सा हम और कटिंग करेंगे वो हमारा बैक बन जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको अम्ब्रेला कटिंग बताई थी कॉटन फैब्रिक में और अब मैं आपको स्ट्रेट कटिंग बता रहा हूँ। ये कटिंग हमारी सबसे बेस्ट रहती है अम्ब्रेला से फिटिंग के नज़रिए से जब हम केन केन लगाते हैं। तो साइनिंग वाले फैब्रिक में हमारा सर्किल था 29, तो इसमें सबसे पहले हमें अपनी लेंथ चेक करके सर्किल हमें कम बनाना है। तो इसमें मैं सर्किल बना रहा हूँ अपना 25, तो 4 इंच जब हमारा सर्किल कम हो जाएगा तो वो गैप केन केन से पूरा हो जाएगा तो हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। ऊपर लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रेट मार्क किया है, फिर 1 इंच का एक अप्रोक्स राउंड बना दिया है। ये राउंड हमारी वेस्ट की फिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हमें मार्क करना है अपनी वेस्ट के लिए। वेस्ट है 24, तो 6 इंच का मार्क एक हो गया हमारा वेस्ट के लिए और आगे 1.5 इंच मार्जिन है और पूरा मार्क 28 पे हमें मैच करते हुए राउंड बना लेना है और कटिंग करनी है।
तो चोली की कटिंग के लिए फैब्रिक को मैंने लगा लिया है। फैब्रिक अपने इस साइड से ओपन है, पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये ब्लू चौक से किया हुआ मार्क आपको दिख रहा होगा, 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ये चेन के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको अपने मेजरमेंट में शामिल नहीं करना है। और लेंथ है अपने 12 ल्यू चाहिए, तो पहला मार्क मैंने 12 पे किया है लेंथ के लिए। और शोल्डर है अपने 12, तो शोल्डर के लिए 6.25 और आर्म होल के लिए 6.5 पे मार्क किया है, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। बोट नेक बनाऊंगा मैं, तो नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच और गहराई रखी है बेक में 2 इंच, तो 2.25 पे मार्क करके राउंड बना दिया है। चेस्ट है लूज सहित अपने 28, तो उसका 1/4 होता है 7 और वेस्ट है 24, उसका 1/4 होता है 6, तो मार्क किया है आगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क है। आर्म होल का राउंड बना दिया है, आर्म होल भी चेक कर लेते हैं हम। आर्म होल आ रहा है अपना 7। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए दूसरा फैब्रिक जो अपने इस साइड से पैक है, मैंने अपने बैग को दूसरे फैब्रिक पे रख लिया है। और नीचे का साइड का नेक, शोल्डर और आर्म होल का मार्क एडजस्ट कर लिया है। अब मैं अपने बैग को हटा देता हूँ, नॉर्मल कटिंग करेंगे हम फ्रंट की भी। तो पहले मैं नेक के लिए मार्क करता हूँ, नेक रखना है अपने 3.5, तो मैं 3.75 पे मार्क करता हूँ और बिल्कुल वी नेक बनाऊंगा मैं। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कैसा भी नेक बना सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लीव्स की जो डिज़ाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल वी नेक बना रहा हूँ। और बाकी मार्क अपना सेम रहेगा, छोटा गाउन है इसलिए 0.25 इंच जितना हमें आर्म होल के लिए शेप दे देना है और बाकी कटिंग हमारी बराबर होगी। अगर आप प्रिंसेस कट कटिंग करना चाहते हैं फ्रंट की, तो मेरे काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है प्रिंसेस कट की कटिंग करना, आप उसके अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हैं। तो चोली की कटिंग हमारी हो गई है, अब हमें एक तरफ स्लीव्स लगानी है, वो मैं बलून स्लीव्स बनाऊंगा। तो लेंथ हमारी 16 रखनी है हमें, तो मैंने पहला मार्क किया है 17 पे और इसकी चौड़ाई जितनी रख सकता हूँ मैं, मैंने रखी है 11 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हम बलून स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ऊपर से एक 4 इंच के लिए मैंने आर्म होल के लिए मार्क किया है और आर्म होल पे 6 इंच अगर हम मार्क करते हैं तो हमारा राउंड आर्म होल का 7 है वो बराबर आता है, तो उससे 3.5 इंच ज़्यादा मैंने सलवटों के लिए मार्जिन रखा है और आगे 1.5 इंच है। और नीचे से हमारी चौड़ाई है वो 10 इंच है, एक मार्क आपको मैं करके बता देता हूँ 2.5 इंच पे, यहाँ हमारा इलास्टिक लगेगा, तो इससे हमारी बलून स्लीव्स ऊपर से और नीचे से बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो इस तरह हमें बलून स्लीव की कटिंग करनी है, एक तरफ ही आएगी तो मैं सिंगल स्लीव्स की कटिंग कर रहा हूँ। एक तरफ बलून स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है, ये कॉटन लाइनिंग है। अब दूसरी तरह हमें हमारी डिजाइन कटिंग करनी है, तो उसके लिए मेजरमेंट इस तरह से हमें चेक करना है, ये आ रहा है 16, तिरछा यहाँ तक लेंगे हम फ्रंट में और बैक में चेन के पास से इस तरह से घुमा देंगे तो हमारी डिजाइन बन जाएगी। तो ये फ्रंट के लिए 16 और बैक के लिए 16, तो 32 हमें राउंड चाहिए। और स्लीव्स हम इस तरह कटिंग करेंगे एक, और राउंड इस तरह से लेंगे हम, पहला राउंड 4 इंच, दूसरा 8 इंच और तीसरा 12 इंच। तो फैब्रिक हमें बिल्कुल उसी तरह लगाना है 4 फोल्ड में जिस तरह हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं सर्किल। तो 22-23 लेंथ का मैंने लगाया है फैब्रिक को और इसको मैं 4 फोल्ड में कर देता हूँ जिस तरह हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। पहला राउंड में 12 वाला कटिंग करूँगा, उसके बाद ऐसे 2 राउंड में 8 इंच और 4 इंच के कटिंग कर लेने हैं।
तो ऊपर हमें वेस्ट की तरह मार्क करना है, वो राउंड हो गया हमारा 16 का डबल 32। तो उसके लिए मैं अप्रोक्स 10 इंच पे एक मार्क करता हूँ और हम चेक कर लेंगे, ये मार्क आ रहा है हमारा 8 का मल्टीप्लाई 4 होता है 32, तो अप्रोक्स हमारा बराबर आएगा। ये हो गया हमारा ऊपर का राउंड, और इधर से हमें लेंथ लेनी है, सबसे बड़ी जो लेंथ है वो लेनी है हमें 12 इंच। तो उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं 12 इंच पे, और इसी तरह जब दो राउंड हम और कटिंग करेंगे, ये राउंड हमारा सेम होगा तीनों में, और ये राउंड हमारा 12 की जगह 8 इंच का और 4 इंच का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं बात को। इस तरह से हमें तीन राउंड कटिंग करने हैं। पहला सबसे बड़ा जो राउंड है वो है 12 इंच का, वो मैं कटिंग कर रहा हूँ। फिर इसी तरह हमें 8 इंच और 4 इंच के दो राउंड और कटिंग कर लेने हैं। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।